चो कैसे हो आई थिंक यू विल बी हैप्पी एट योर होम आफ्टर वॉचिंग एंड अंडरस्टैंडिंग माई वीडियो लेक्चर्स आई आई विल टीच यू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन टूडे लेक्चर विच विल बी ओनली इन वन शॉट फॉर फुल मार्क्स तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे पहले चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है जियोमेट्री जैसे कि आप जियोमेट्री को पहले पढ़ चुके हो कक्षा छः कक्षा सात कक्षा आठ और कक्षा नाइन्थ के भी प्रीवियस चैप्टर्स में जियोमेट्री दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है जियोमेट्री दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है जियो एंड मेट्रॉन जियो का सरोनिम्स होता है अर्थ एंड मैट्रॉन को बोलते हैं हम मेजर यानी कि अर्थ का मेजरमेंट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम जिसमें हम सेप साइज मेजरमेंट और उनकी लोकेशंस का पता लगाते हैं जियोमेट्री में और जब हम किसी भी पॉइंट या किसी भी वस्तु या किसी भी शहर या किसी भी सिटी की पोजीशन का पता लगाते हैं एक रिफ्रेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में तो वहाँ पर यूज करते हैं हम कोऑर्डिनेट तो वो होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसा कि मैंने इस डेफिनेशन में लिखा कोऑर्डिनेट coordinate की कोऑर्डिनेट्स आर न्यूमेरिकल वैल्यूज दैट डिफाइन द पोजिशन ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस रिलेटिव टू ए रेफरेंस सिस्टम हम एक एग्जाम्पल लेकर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ज्योमेट्री में हम किस तरह पॉइंट की लोकेशन को डिफाइन करते हैं यानी कि पॉइंट की लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं ये समझने की कोशिश करेंगे इस एग्जाम्पल के माध्यम से तो बच्चों देखो एक यहाँ पर स्मार्ट क्लासरूम की पिक्चर आपको दिखाई हुई है जिसमें बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से कुछ बच्चे बैठे हुए हैं और आराम से अपने जो टीचर है उसका लेक्चर सुन रहे हैं तो इस इस क्लासरूम में आप देख रहे हो तीन वर्टिकल लाइंस हैं जैसे कि ये लाइन है ये लाइन है और ये लाइन है क्या है बच्चों इसमें थ्री वर्टिकल लाइन है और यहां पर थ्री ही क्या है होरिजेंटल लाइन है अब बच्चों आप को ये बताना पड़ेगा कि हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन क्या होती है मैं समझता हूं आपको हॉरिजेंटल वर्टिकल लाइन की बताने की जरूरत नहीं है ओके तो अभी इसमें आप देख रहे हो बच्चों यहां पर एक बच्चा बैठा हुआ है यह बच्चा अगर मुझे बताना है कि इसकी लोकेशन क्या है तो मैं यहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके इसकी लोकेशन को डिफाइन कर सकता हूं कि ये बच्चा किस लोकेशन पर बैठा हुआ है किस से कोर्डिनेट जियोमेट्री से जैसे अभी मैं इस क्लासरूम का स्ट्रक्चर मैंने यहां बना दिया है यहां पर एक रिफरेंस पॉइंट है कहां पर यह जीरो जीरो रिफरेंस पॉइंट क्या है जीरो इसका रिफरेंस पॉइंट मान लेता हूं और यहां पर ये इसकी क्या है हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या है हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या है बच्चों ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हॉरिजॉन्टल लाइंस और जो ये इस तरह ये ये इस तरह की जो लाइन थी वर्टिकल लाइंस इनको मैंने यहां पर डिफाइन कर दिया है ओके okay? तो मैंने यहां पर होरिजेंटल लाइंस को एक्स लिख दिया है और वर्टिकल लाइंस को वाई लिख दिया है यानी कि ये जो है एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है अब मैं देखूंगा कि इस पॉइंट की मुझे क्या लोकेशन को डिफाइन करना है कि ये पॉइंट इस प्लेन में कहाँ पर है और जो प्लेन इस तरह का एक्स और वाई प्लेन में होता है उसको बोलते हैं कार्टिशन प्लेन तो यहां पर देखूंगा मैं जो होरिजेंटल लाइन है वो कितने नंबर की लाइन है होरीजेंटल लाइन होरीजेंटल लाइन यहां पर क्या पांचवें नंबर पर होरीजेंटल लाइन है ये वाली लाइन पाँचवें नंबर पर है ये हॉरीजेंटल लाइन है और ये जो वाली लाइन है ये दूसरे नंबर वो वर्टिकल लाइन है तो जहां पर ये इंटरसेक्ट करती है दोनों लाइन वर्टिकल और हॉरिजेंटल वहां उस पॉइंट को बोलता हूं मैं कार्टिशन पॉइंट ऑफ दिस पॉइंट तो यहां पर जहां जो भी एक्स एक्सिस पर नंबर है टू उसको लिख दूंगा मैं पहले और जो वाई एक्सिस पर नंबर है उसको बोल दूंगा मैं बाद में और इस तरह हो जाएगा एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी टू कोमा फाइव और 2.5 को मैं एक ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट में क्लोज कर दूंगा तो इनको बोलूंगा मैं ऑर्डर्ड कार्टिशन ऑर्डर्ड कार्टिशन पेयर इनको क्या बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर या ऑर्डर्ड कार्टिशन पेयर तो इस तरह मैं किसी भी पॉइंट की लोकेशन को यहां पर डिफाइन कर सकता हूं अब जैसे बच्चों पहले नंबर पर क्या है मैं होरिजेंटल देखता हूं फिर वर्टिकल देखता हूं तो अब बताइए ये जो आप देखोगे क्या देखेंगे अभी मैं अगर इस बच्चे की पोजीशन को क्या करूं इस बच्चे की पोजीशन को क्या करता हूं? डिफाइन करता हूं। तो ये वन टू होरिजेंटल पर कितने नंबर पर है वन और टू तो टू और वर्टिकल पर कितने नंबर पर है कितने नंबर पर वर्टिकल पर वन और टू वर्टिकल पर भी क्या है टू नंबर पर है तो इस बच्चे की पोजिशन होगी टू कोमा टू ब्रैकेट में क्लोज इस तरह ही मैंने एक एक फीकर बनाई है जिसमें मैंने एक्स एक्सिस यानी कि हॉरीजेंटल लाइन को एक्स एक्सिस बोला है और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोला है और अगर मैं इनको दिशाएं डायरेक्शंस के हिसाब से लिखता हूं उनके उनको बीच बना कर लिखता हूं तो इसको बोलता हूं मैं ईस्ट और इसको बोलता हूं नॉर्थ तो यहां पर देखोगे एक्स डैश टू एक्स लाइन एक्स डैश टू एक्स लाइन को बोलता हूं मैं वेस्ट टू ईस्ट लाइन और वाई टू वाई डैश लाइन को बोलता हूं मैं नॉर्थ टू साउथ लाइन अब मान कर चलिए ये एक मेरा सिटी है सिटी का सिटी है या मेरा एक क्या है ये एक मेरी सोसाइटी है सोसाइटी पर ये एक क्रॉसिंग है क्या है एक चोरा चोराया है यानी कि क्रॉसिंग पॉइंट है और मैं 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 जाना चाहता हूँ इस मकान में ये राम का मकान है तो इसका पहले मैं इसको एक पॉइंट मान लेता हूं और उसका लोकेशन को मैं डिफाइन करता हूं तो मैं देखता हूं जैसे मैं यहां से चलता हूं तो ये हाथ पर आती है बच्चों गली नंबर वन स्ट्रीट वन और ये क्या है बच्चों स्ट्रीट नंबर टू और यह क्या है बच्चों स्ट्रीट नंबर थ्री अब यहाँ पर बढ़ता हूँ तो मकान नंबर वन मकान नंबर टू मकान नंबर थ्री मकान नंबर फोर अब मुझे ये राम का मकान है इसकी जो लोकेशन है उसको लोकेट करनी है तो एक्स एक्सिस या होरिजेंटल लाइन पर क्या नंबर है इसका वन इसको मैं पहले देखता हूँ और वाई एक्सिस या वर्टिकल लाइन या नॉर्थ डायरेक्शन में इसका क्या नंबर है फोर तो इस लोकेशन को मैं डिफाइन कर सकता हूँ वन कोमा फोर कार्टिशन कोऑर्डिनेट के द्वारा अब हम इन्हीं को बेस बनाते हुए एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हाउ विस्क्राइब द पोजिशन ऑफ ए टेबल ये पूछ रहे हैं कि हाउ वी यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ ए टेबल यानी कि ये पोजिशन ऑफ ए टेबिलेबिलेबिल ऑन योर स्टडी टेबिल टू अनोदर पर्सन यानी कि हम ये कह रहे हैं कि एक टेबिल रखा हुआ है मेरी स्टडी टेबल पर और मुझे अनोदर पर्सन के रेस्पेक्ट में यानी कि मेरा अनोदर पर्सन कहीं पर बैठा हुआ उसके रेस्पेक्ट में इसकी पोजिशन को मुझे क्या करना है डिफाइन करना है तो मैं क्या करूँगा इस पो, इसको पोजिशन को लोकेट करना

यानी कि जो हॉरीजेंटल हॉरिजेंटल लाइन यानी कि जो इसकी लेंथ है वो थर्टी सेंटीमीटर और जो इसकी ब्रीथ, जो इसकी ब्रीथ है ब्रे, जो इसकी ब्रीथ है वो होगी मेरी क्या होगी बच्चों वो होगी मेरी ट्वेंटी सेंटीमीटर क्या होगी बच्चों ट्वेंटी सेंटीमीटर अब मैंने इसको इस पर मार्क मैंने इस पर नंबर्स को पॉइंटेड कर दिया नंबर्स को प्लेस कर दिया जैसे कि मैंने ये ये जो मेरी ये जिसकी लेंथ थी लेंथ को एक्स नंबर लिख दिया एक्स लाइन पर नोट कर नोटिड कर दिया और इसकी जो मेरी चौड़ाई है उसको वाई लाइन पर मैंने इसको डिफ़ाइन कर दिया अब मैंने इसको बराबर बराबर पार्टों में डिवाइड कर दिया फाइव टेन फिफ्टीन टेन ट्वेंटी फाइव यानी कि इसकी इसकी जो लेंथ है उसको मैंने बराबर बराबर बर, बर पार्ट में डिफाइन कर डिवाइड कर दिया या डिफाइन कर दिया इस तरह ही मैंने इसके हॉरीजेंटल लाइनस को भी डिफाइन कर दिया अब ये लैंप की पोजीशन यहाँ पर है तो अब मैं देखूंगा कि एक्स एक्सिस पर ये कितना चली है अगर मैं इसको ये मिलाता हूँ बच्चों इसका यहाँ से एक हॉरीजेंटल लाइन खींचता हूँ एक वर्टिकल लाइन खींचता हूँ जहाँ पर ये यह और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है एक दूसरे को बच्चे क्या कर रही है कटिंग कर रही है एक दूसरे को कट कर रही है उस पॉइंट को मैं उस पॉइंट की लोकेशन को मैं डिफाइन करूँगा तो यहाँ यहाँ पर क्या हो इसका हॉरीजेंटल एक्सिस पर ये लाइन कहाँ पर है हॉरिजेंटल एक्सिस पर इसकी वर्टिकल लाइन है नंबर पॉइंट फाइव पर और जो ये है मेरा ये वाला हॉरिजेंटल एक्सिस इसके वर्टिकल एक्सिस पर कितना ये लाइन किसने पर है फिफ्टीन पॉइंट पर तो पहले मैं क्या लिखता हूँ एक्स फिर कॉमा फिर वाई तो एक्स कितना बच्चों इसका फाइव और वाई कितना फिफ्टीन तो इस तरह ये जो मेरी टेबल लैम्प की लोकेशन है अनोदर पर्सन के रेस्पेक्ट में वो है फाइव कुमा फिफ्टीन तो मैं बता सकता हूं कि एक्स डायरेक्शन इसके कॉर्नर से फाइव सेंटीमीटर ओरिजेंटल और फिफ्टीन सेंटीमीटर वर्टिकल की तरफ रखा हुआ है लैम्प एन सी आर टी बुक का सेकेंड क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करना है एक स्ट्रीट प्लान दी हुई है ए सिटी हैज टू मेन रोड्स पहले में इसकी स्टेटमेंट को रीड आउट करूंगा फिर उसके अकॉर्डिंग मैं अपना एक डायग्राम बनाऊंगा और उस उस डायग्राम से उस फिगर से मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। तो ए सिटी है जो टू मैन रोड विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी यानी कि दो सिटी है दो एक सिटी है उसमें दो रोड है एक सिटी है उसमें दो रोड है जो एक दूसरे को क्रॉस करती है उस सिटी के सेंटर पर यानी कि ये है इसका उस सेंटर पॉइंट सिटी का दीज टू रोड्स आर एलोंग दॉर्थ साइड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एक तो दो रोड है मेरी नंबर वन रोड ये है मेरी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और सेकेंड रोड है मेरी वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरल टू दीज रोड्स यानी जो और जो स्ट्रीट हैं ये जो मेरा सिटी है एक तो इसकी वेस्ट ईस्ट इस डायरेक्शन के पैरल में है और दूसरा इसकी नॉर्थ साउथ जो डायरेक्शन है के डायरेक्शन वाली रोड है उसके पैरेलल में है रिप्रेजेंट किया है द रोड स्ट्रीट बाय ए सिंगल लाइन देर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल तो मेरे मॉडल में क्या होती है ये जो फाइव नंबर स्ट्रीट है ये और फोर नंबर स्ट्रीट थ्री नंबर स्ट्रीट टू नंबर स्ट्रीट वन नंबर स्ट्रीट ये जो ये स्ट्रीट है मेरी वन टू थ्री फोर इनसे क्या करती है इंटरसेक्ट करती है तो इसमें बहुत सारे क्या बन जाते हैं इन स्ट्रीटों पर चौराहे बन जाते हैं इस पर क्या बन जाते हैं क्रॉसिंग्स बन जाती हैं यहाँ बन गई यहाँ बन गई इस तरह की क्रॉसिंग्स बन जाती है अभी मैं देखूंगा इफ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन ये सेकंड स्ट्रीट कहाँ पर डायरेक्शन में करी सेकंड स्ट्रीट यहाँ की नॉर्थ डायरेक्शन में डायरेक्शन में रनिंग कर रही है यानी कि ये ये वाली डायरेक्शन में एंड एंड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन और फिफ्थ क्या कर रही है बच्चों फिफ्थ वाली जो स्ट्रीट है जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की यहाँ पर ये यहाँ पर क्या कर रही है यहां पर रन कर रही है अब ये दोनों जो स्ट्रीट है एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और एक वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में ये कहाँ पर काट रही है दोनों ये बच्चे काट रही है आप इसको यहां पर ये कट कर रही है तो इसका लोकेशन को अगर हम लोकेट करें तो कैसे बोलेंगे जो ये x डा यानी कि e को क्या e को क्या बोल सकता हूँ मैं x और y इसको क्या बोल सकता हूँ एन एस को y तो इसका अगर मैं एक्स वाई कोर्डिनेट लिखता हूं इस लोकेशन का तो इसको लिख दूंगा मैं एक्स वाई और एक्स वाई इक्वल टू क्या हुआ यहां पर स्ट्रीट कौन से नंबर पर है दो नंबर दो कोमा फाइव अब इस, इस क्वेश्चन में दिया हो इसको यूज कर, कर मैं लिखूंगा देन वी विल कॉल द क्रॉस स्ट्रीट टू कोमा फाइव इसको क्या लिखता हूं मैं टू कोमा फाइव यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड फर्स्ट और सेकेंड इस कन्वेंसन को यूज करके मैं क्या करूँगा फोर कॉमा थ्री जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट है उसको यहाँ पर मैं लोकेट करूँगा तो इसमें जो ये फोर कॉमा थ्री को लोकेट करना है तो फोर क्या है जो वेस्ट जो नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ जो स्ट्रीट है उसका नंबर है नॉर्थ साउथ स्ट्रीट ये क्या है ये फोर है मेरी नॉर्थ साउथ स्ट्रीट और ये जो तीन नंबर है ये क्या है मेरा ये ये जो सेकंड पर तीन नंबर है ये है मेरी क्या बच्चों वेस्ट ईस्ट स्ट्रीट ये है मेरी वेस्ट ईस्ट स्ट्रीट तो यहाँ पर ये फोन नंबर ये फ़ोन नंबर कौन सी है ये वाली है बच्चों ये वाली फोन नंबर है ये ये वाली फ़ोन नंबर और थ्री नंबर कौन सी है ये वाली थ्री नंबर तो यहाँ पर ये यह कट कर गया तो इसको क्या बोलूँगा मैं यहाँ पर क्या लो इस पॉइंट की लोकेशन क्या हो गई इस पॉइंट की लोकेशन हो गई मेरी फोर कॉमा थ्री हो गई इस पॉइंट की लोकेशन अब मैं अगले क्वेश्चन को करूँगा थ्री कोमा फोर थ्री कॉमा फोर में देखना पड़ेगा पहले मेरे नॉर्थ साउथ स्ट्रीट ये क्या नॉर्थ साउथ स्ट्रीट का नंबर और ये है वेस्ट ईस्ट स्ट्रीट का नंबर तो नॉर्थ साउथ स्ट्रीट का नंबर ये थ्री है ये वाली लाइन ये और ये वेस्ट ईस्ट जो स्ट्रीट है ये ये वाली लाइन है तो ये कहोगे मेरे मेरी बच्चों ये हो गई तो इसको लिखूँगा मैं थ्री कोमा फोर तो इस तरह मैंने इन दो कोऑर्डिनेट्स का लोकेशन को लोकेट कर दिया इस फिगर पर अब बच्चों इन दो क्वेश्चनों के साथ ही एक्सरसाइज थ्री पॉइंट वन कंप्लीट हो गई अब हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 3.2 उसमें एंटर करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स और कुछ डेफिनेशंस को जानने की कोशिश करेंगे जैसे कि आपको सबसे पहले ही चैप्टर में बताया गया है नाइन्थ क्लास के नंबर लाइन लाएं, नंबर लाइंस, नंबर लाइन तो आप जानते हैं कि नंबर लाइंस को हम नंबर लाइंस पर किस तरह हम नंबर्स को लोकेट करते हैं नंबर्स को डिफाइन करते हैं नंबर लाइंस में क्या होता है एक रेफरेंस पॉइंट होता है जहां से हमें स्टार्ट करना होता है जहां पर जीरो पॉइंट मानते हैं उस जीरो पॉइंट को उस जीरो पॉइंट को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं ओरिजिन क्या बोलते हैं उस जीरो पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन और इसके पॉजिटिव डायरेक्शन में उस उस ओरिजन के पॉजिटिव डायरेक्शन में हम पॉजिटिव नंबर्स को लिखते हैं और उसके नेगेटिव डायरेक्शन में हम नेगेटिव नंबर्स को लिखते हैं और आप देख रहे हैं ये ये अभी ये क्या देखा आपने यहाँ पर है यहाँ पर क्या देखा वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन और जो लाइन वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन में होती है वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन में उसको बोलते हैं हो रिजेंटल लाइन क्या बोलते हैं बच्चों इस लाइन को हो लाइन इसको बोलते हैं होरीजेंटल लाइन इसको क्या बोलते हैं बच्चों हॉरीजेंटल लाइन और अगर इसी लाइन को हम इस तरह से खड़ा कर दें इस तरह से इस तरह से कर दें तो इसको क्या बोलेंगे हम बच्चों इसको बोलेंगे हम वर्टिकल लाइन ये कौन सी होगी नॉर्थ और मेरी साउथ डायरेक्शन इसको बोलेंगे हम वर्टिकल लाइन वर्टिकल लाइन हम इसलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और जहाँ पर ये हॉरीजेंटल ये मेरी हॉरीजेंटल लाइन है और ये क्या बच्चों मेरी वर्टिकल लाइन और जहाँ पर ये एक दूसरे को काटती हैं वहाँ पर जहाँ पर अगर ये परपेंडिकुलर अगर हॉरीजेंटल लाइन और हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती है तो वहाँ पर क्या बनता है बच्चों 90 डिग्री का एंगल और यहाँ पर हम कार्टिशन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर पर काटती हैं उस पॉइंट को बोलते हैं हम बच्चों क्या बोलते हैं ओरिजन क्या बोलते हैं ओरिजन यानी कि यहाँ से हम अपनी स्टार्टिंग करेंगे रिफ्रेंस पॉइंट मानते हुए मेजरमेंट्स की पॉइंट को डिफाइन करने की अब जैसे कि मैंने दिखाया यहाँ पर ये हॉरीजेंटल लाइन है ये वाली लाइन होरिजेंटल लाइन और ये क्या है बच्चों ये वर्टिकल लाइन अगर मैं इस लाइन को उठाकर इसके ऊपर यहाँ पर फिट कर देता हूँ इस तरह तो ये ये क्या है एक दूसरे को को 90 डिग्री पर कट कर रही है तो 90 डिग्री पर कर रही है एक दूसरे क्या परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रही है और जहाँ पर ये हॉरीजेंटल और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को बोलते हैं हम ओरिजन क्या बोलते हैं ओरिजन क्या बोलते हैं बच्चे इस पॉइंट को ओरिजन ओरिजन और इस हॉरिजेंटल लाइन को लिख देते हैं हम एक्स एक्स डैश और वर्टिकल लाइन लिख देते हैं हम वाई वाई डैश और जब ये और इस x और y प्लेन को ये x और y प्लेन को बोलते हैं हम कार्टिशन प्लेन x y प्लेन इज नोन एज ए कार्टिशन प्लेन और इसको ही बोलते हैं हम 2d प्लेन यानी कि 2d प्लेन और जो यहां एक दूसरे को काट रही है उसको बोलते हैं हम क्या ओरिजिन क्या बोलते हैं ओरिजिन और और ये लाइन लाइन है को क्या बोलते हैं एक्स एक्सिस वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं बच्चों वाई एक्सिस और एक्स और एक्स डैश और वाई और वाई डैश दे दिया और इस तरह हम इस पर क्या है नंबर लाइंस पर हम इंटीजर्स नंबर को क्या कर दिया मैंने यहां पर डिफाइन कर दिया है डिफाइन कर दिया है अब बच्चे हम बात करेंगे कॉड्रेंट्स कैस की बात करेंगे कॉड्रेंट्स कॉड्रेंट्स क्या होते हैं वन फोर्थ पार्ट को बोलते हैं हम कॉड्रेंट्स क्या बोलते हैं वन फोर्थ पार्ट को बोलते हैं हम कॉड्रेंट्स अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या है ये मेरा क्या है ये मेरा क्वाड्रेंट ये मेरा क्या है ये मेरा वाई ये मेरा वाई और ये मेरा वाई डैश और ये एक्स और ये एक्स डैश अब इसको मैंने चार पार्टों में डिवाइड कर दिया कैसे डिवाइड करा जो हॉरीजेंटल और वर्टिकल मेरे लाइंस हैं वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर दिया तो उनके परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट होने पर उन्होंने एक 90 डिग्री का एंगल बनाया चारों तरफ और जो जहां पर एंगल बनाया उसको बोल दिया मैंने ओरिजिन पॉइंट ओरिजिन पॉइंट और ये एक पार्ट उसका क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट थर्ड और क्वाड्रेंट फोर्थ और अभी हम देखेंगे बच्चों अगर आप क्वाड्रेंट फर्स्ट में जाएंगे तो फर्स्ट में जाएंगे तो मेरा क्या एक्स एक्सिस पर भी क्या पॉजिटिव नंबर है और वाई एक्सिस भी क्या है पॉजिटिव नंबर है तो इसमें क्या होगा इसमें क्या होगा दोनों नंबर्स क्या होंगे पॉजिटिव होंगे क्वाड्रेंट फर्स्ट के दोनों नंबर्स क्या होंगे पॉजिटिव होंगे और अगर आप क्वाड्रेंट सेकंड की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे एक्स डैश जो एक्सिस है ये इसमें नेगेटिव नंबर्स है तो ये इसलिए नेगेटिव आ गया और ऊपर क्या वाई को देखेंगे हम तो वाई क्या है बच्चों ये पॉजिटिव नंबर्स है तो कॉडरेंट सेकंड में एक्स नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा अब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ी सी पिक्चर कट गई है कोई बात नहीं, हम इसको नोट कर लेंगे। वाई, वाई तो अगर कहीं पर भी लोकेशन इस क्वाड्रेंट में होगी तो एक्स एक्सिस क्या इसमें नेगेटिव और वाई एक्सिस भी क्या नेगेटिव तो इसलिए दोनों क्या होंगे नेगेटिव नेगेटिव अब हम आ जाते हैं क्वाड्रेंट सेकेंड में किसमें क्वाड्रेंट फोर्थ में नॉट नॉट सेकेंड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट फोर्थ फोर्थ में क्या होगा एक्स पॉजिटिव है और वाई क्या है नेगेटिव तो इसमें क्या होगी प्लस और माइनस अगर अब मैं आपसे पूछूं कि फोर कोमा माइनस थ्री कौन से क्वाड्रेंट के नंबर्स हैं कौन से कोर्डनेडरेंट के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं कोऑर्डिनेट्स हैं तो आप लिखो प्लस यहां पर पहला प्लस है दूसरा माइनस तो हम हम जस्ट तुरंत बोल देंगे कि ये फोर्थ कॉड्रेंट के नंबर्स हैं ये क्या है फोर्थ कॉड्रेंट के नंबर्स है अगर अगर आपसे पूछे कोई माइनस टू कोमा थ्री कौन से कॉड्रेंट में आएगा तो ये क्या माइनस और प्लस माइनस और प्लस आते हैं कॉड्रेंट सेकंड में तो ये नंबर्स हैं ये पॉइंट आएगा कोडरेंट कॉडरेंट सेकंड में अब हम थोड़े से स्टैंडर्ड नोटेशन ऑफ कार्टिशन कोऑर्डिनेट्स के बारे में जान लेते हैं एक्स कोऑर्डिनेट्स को बोलते हैं हम का क्या बोलते हैं का ए पॉइंट इज इट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस मेजर्ड अलोंग द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को बोलते हैं ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट एक्स एक्सिस को हम अफसिशा और वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं और यहाँ पर मैंने ये पिक्चर दिखाई है आपको तो इसको बोल सकते हैं हम क्या बच्चे कॉड्रेंट फर्स्ट कॉड्रेंट सेकेंड कॉड्रेंट थर्ड कॉड्रेंट फोर्थ और ये कुछ पॉइंट दिखाए थ्री कॉमा टू यहाँ पर सिचुएटेड होगा ये ओरिजिन पॉइंट है इसका ये इसके ये भी ये कोऑर्डिनेट्स हैं अब हम इनको बेस मानते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एक्सरसाइज थ्री पॉइंट टू क्वेश्चन नंबर वन राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन वाट इज़ द नेम ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन्स तो बच्चे हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन्स आपने फिगर्स में देखी है उनके नाम क्या होंगे इनका नाम जैसे हॉरिजेंटल लाइन्स को क्या बोलेंगे हम हॉरिजेंटल लाइन्स को बोलेंगे हम एक्स एक्सिस क्या बोलेंगे एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन्स को क्या बोलेंगे वाई एक्सिस अब हम इसमें कोई पॉइंट क्या करना चाहते हैं हम ये कह रहा है ये कह रहा है कि डिटरमाइन एनी पॉइंट इन कार्टीशन प्लेन अब मैं एक पॉइंट को इस कार्टीशन प्लेन में डिटरमाइन करता हूँ जैसे कि मैं फोर कॉमा थ्री को देखता हूँ कि यहाँ पर क्या आएगा तो फोर कॉमा थ्री कौन से प्लेन में आएगा दोनों प्लस के हैं एक्स भी प्लस है और वाई भी प्लस है तो किसम आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और अगर मैं लिखूँ माइनस थ्री प्लस टू ये कौन से आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्योंकि इसमें क्या आता है x माइनस और y प्लस और इसमें क्या आएगा बच्चों थ्री कॉमा थ्री कौन से में आएगा थर्ड क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट्स में क्योंकि इसमें माइनस माइनस होता है इस तरह ही फोर्थ में देखोगे तो माइनस टू कॉमा फोर माइनस टू कोमा फोर आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय द दीज टू लाइंस तो देखोगे कि ये कह रहा है नेम ऑफ द ईच पार्ट इसके कितने पार्ट हुए बच्चे फोर और और वन बाई फोर्थ को क्या बोलते हैं कॉड्रेंट तो इसको बोलेंगे कॉड्रेंट फर्स्ट कॉडरेंट सेकेंड कॉड्रेंट फर्स्ट कॉडरेंट सेकेंड कॉड्रेंट थर्ड और कॉडरेंट फोर्थ अब इसमें कितना आसान क्वेश्चन राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट उस पॉइंट का नाम लिखो जहां पर ये दोनों पॉइंट दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है तो जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है उसको क्या बोलते हैं ओरिजन पॉइंट क्या बोलते हैं ओरिजन अब करेंगे क्वेश्चन नंबर टू सी फिगर थ्री पॉइंट फाइव एंड राइट द फॉलोइंग अभी बच्चों इसमें क्या दिया है कि इस फिगर इस को देखते हुए इस फिगर को देखते हुए हम इन जो क्वेश्चन से इनके जवाब देंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ बी हम बी के क्या लिखेंगे कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो बच्चों देखो पहला पहला क्या ये पोजिशन होती है इसका ऑर्डर्ड कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स और वाई ये इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर पहले एक्स का लिखते हैं कब सदैव हम और फिर वाई का लिखते हैं तो इसमें एक्स कितनी एक्स कितनी पोजिशन पर यहाँ देखोगे माइनस फाइव और वाई कितनी पोजिशन पर यहाँ देखोगे तो प्लस टू तो, तो ये हो गया माइनस फाइव कॉमा टू क्लियर द कोऑर्डिनेट ऑफ सी अब हम इस तरह कोऑर्डिनेट ऑफ सी के लिखेंगे तो सबसे पहले इसमें कोऑर्डिनेट सी में देखेंगे यहाँ पर देखेंगे तो लाइन कहाँ पर कट करती है हमारी यहाँ पर और इस पर एक्स की वैल्यू क्या है फाइव और वाई 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 की वैल्यू क्या है यहाँ पर माइनस फाइव तो इसके सी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए बच्चों फाइव कोमा माइनस फाइव अब ये कह रहा है कि यहाँ पर तो पॉइंट दिए हुए थे उनके कोऑर्डिनेट लिखने थे यहाँ पर कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं उनके पॉइंट आइडेंटिफाई करने हैं जैसे माइनस थ्री कॉमन माइनस फाइव सबसे पहले ये बताना है मुझे माइनस थ्री माइनस फाइव माइनस एक्स और माइनस फाइव कौन से कोऑर्डिनेट में होंगे सबसे पहले हम ये ये जानकारी करेंगे तो जैसे कि आपने पिक पिछली इमेज में देखा था तो माइनस के एक्स और माइनस का एक्स होता है सिर्फ थर्ड कोर्डिनेट में और अब थर्ड कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट कौन सा ये पता लगाएंगे हम तो बच्चों थर्ड कोऑर्डिनेट वन क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसको बोलते हैं माइनस थ्री कोमा फाइव तो माइनस थ्री क्या है बच्चों माइनस थ्री और माइनस फाइव तो ई जो पॉइंट है क्या बच्चों ई पॉइंट क्या है ई पॉइंट क्या है माइनस थ्री कोमा माइनस फाइव माइनस थ्री कोमा फाइव पर क्या है बच्चों ये वाला पॉइंट मेरा थ्री ई पॉइंट हो गया मेरा माइनस थ्री कोमा फाइव अब ऐसे ही मैं आइडेंटिफाई करूँगा टू कोमा माइनस फोर तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में प्लस और माइनस आता है तो प्लस माइनस क्या आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में और यहाँ पर भी आप देखोगे प्लस एक्स और वाई माइनस तो प्लस एक्स क्या कितना प्लस एक्स का टू और वाई का कितना, कितना? माइनस फोर तो ये क्या होगा मेरा जी पॉइंट जी पॉइंट पर क्या हो गए टू माइनस के फोर कोऑर्डिनेट को टू पॉइंट कॉमा माइनस फोर को आइडेंटिफाई करता है मेरा जी पॉइंट क्या पढ़ता है जी पॉइंट अवसिका ऑफ द पॉइंट डी यानी पॉइंट डी दिया हुआ है पर पॉइंट डी तो पॉइंट डी की अवशिका अवसिका क्या होती है एक्स एक्सिस को बोलते हैं हम तो इसकी अवशिका क्या है इसकी बच्चे क्या है यहां पर ये सिक्स और अगर ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं और यहां पर एच पॉइंट देखो एच एच कितने वाई पर है एच है माइनस थ्री पर तो इसका क्या हो जाएगा एच पॉइंट माइनस थ्री हो जाएगा इसका ऑर्डिनेट अब बोल रहा है द कॉर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल कोई एल पॉइंट यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है उसके मुझे कोऑर्डिनेट लिखने हैं अब देखो बच्चों यहाँ पर एल पॉइंट कहाँ पर यहाँ पर मेरा एल पॉइंट है ये इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो एक्स एक्सिस पर कितना है एक्स एक्सिस तो कुछ भी नहीं है जीरो है तो यहाँ पर जब ये जीरो है तो एक्स एक्सिस पर जीरो है तो मैं क्या लिखूंगा इसको जीरो और वाई कितना है वाई पर कितना है वाई पर ये रहा वाई पर फाइव तो ये हो गए जीरो कोमा फाइव हो गए मेरे किसके एल के पॉइंट जीरो कोमा फाइव अब द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम अब मैं कोऑर्डिनेट एम्स पॉइंट के मुझे लिखना है तो एम पॉइंट मेरा यहां पर है तो एक्स एक्सिस पर कितना बच्चों ये थ्री कितना है थ्री और वाई एक्सिस पर कितना देखोगे इसको जीरो कितना है वाई एक्सिस पर तो जीरो है तो ये होगा थ्री कोमा जीरो तो अब मैं आपको आपको बताता हूँ द कोऑर्डिनेट ऑफ बी कोऑर्डिनेट ऑफ बी के मैंने लिख दिए कहाँ पर था बच्चों बी माइनस फाइव यानी कि फर्स्ट का आंसर हो गया मेरा माइनस फाइव कोमा टू सेकेंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी कोऑर्डिनेट ऑफ सी के कितने हो गए फाइव माइनस फाइव नंबर थर्ड हो गया मेरा पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट माइनस थ्री कोमा फाइव माइनस थ्री कोमा फाइव हो गया मेरा ई पॉइंट और फोर्थ था मेरा पॉइंट कोऑर्डिनेट दिए थे उसका पॉइंट फाइंड आउट करना था ये हो गया मेरा पॉइंट जी और फिफ्थ का एफ सी का ऑफ द पॉइंट डी इसको लिखना था एफ सी का ऑफ द पॉइंट डी ये हो गया सिक्स और इसका आंसर आएगा बच्चे मेरा माइनस थ्री अब मैं आता हूँ वी सेवन पर वी सेवन में पूछा था द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल ये हो गया जीरो फाइव और फिर आया था मेरा क्वेश्चन नंबर एट इसका एम का पॉइंट था मेरा माइनस थ्री कोमा जीरो इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर टू कंप्लीट हो गया और इसी के साथ मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास नाइन्थ का कंप्लीट लेक्चर कंप्लीट होता है अब मैं आपको किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके स्कूल एग्जाम में अगले लेक्चर में उनको कराऊंगा थैंक यू